बेन स्टोक्स ने टेस्ट को बनाया T20, अंतिम 42 गेंदों में बना डाले इतने रन। नमस्कार, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एशियाई सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हेडिंगली में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन बेन स्टोक्स की विस्फोटक बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने घुटने टेक दिए। इंग्लैंड की टीम ने ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। इस मैच में बेन स्टोक्स ने 219 गेंदों का सामना करते हुए 135 रन की शानदार नवाद पारी खेली। इस बेहतरीन पारी के दौरान बेन स्टोक्स के बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले। 10वें विकेट के लिए बेन स्टोक्स और जैक लीच के बीच 76 रन की शानदार साझेदारी हुई। बेन स्टोक्स ने अपनी शुरुआत काफी धीमी की थी। बेन स्टोक्स ने पहली 42 गेंदों में मात्र 2 रन बनाए थे, लेकिन जब इंग्लैंड के 9 विकेट गिर गए थे उसके बाद बेन स्टोक्स ने कुल 42 गेंदें खेली, जिसमें शानदार 74 रन बना डाले। 76 रन की साझेदारी में से 74 रन बेन स्टोक्स के बल्ले से निकले। हालांकि इस मैच में बेन स्टोक्स अंपायर की वजह से आउट होते होते बच गए थे। रिव्यू में देखा जा सकता है कि बॉल एकदम स्टंप के लाइन में थी और इंपैक्ट भी लाइन में ही था। बॉल लेग स्टंप को हिट कर रही थी, लेकिन अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया, जिसके बाद बेन स्टोक्स ने ये शानदार पारी खेल डाली। टेस्ट क्रिकेट में ये जीत इंग्लैंड के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 1928 और 1929 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम में 332 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे बेन स्टोक्स को इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।